हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। आइए, पहला क्वेश्चन है, देख रहा है, चार पुरुष एक छोटा सा घर 12 दिन में बना सकते हैं, छह पुरुष उसी घर को बनाने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए, चार पुरुष एक घर बनाता है तो 12 दिन लगता है, तो वही घर को अगर चार पुरुष मिलकर बनाए तो कितना दिन लगेगा। देखिए, होता है क्या, क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर मैन गुना डे, यानी अगर काम जानना है कि काम कितना रहा है तो मैन और डे को गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, काम। अगर यही मैन गुना डे में अगर मैन से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डे, मैन मैन कट जाता डे, या मैन गुना डे में डे से भाग करेंगे तो डे डे कटेगा तो क्या हो जाएगा, मैन। यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क बराबर आपको जानना है मैन गुना डे। तो चलिए, करा चार पुरुष एक छोटा सा घर 12 दिन बना सकते हैं तो वर्क कितना, वर्क निकालिए, तो मैन 4 गो और कितना दिन, 12, तो 4 गुने 12 क्या निकला, काम निकला, यही काम निकला। अब यही काम को करा है छह पुरुष कितना दिन में करेगा, तो छह पुरुष कितना दिन में, एक्स दिन में। देखिए, चार आदमी 12 दिन में एक घर बनाता है तो काम बराबर मैन गुना डे, तो यही काम को छह पुरुष कितना दिन में, तो 6 गुना x दिन, अरे कर जाएगा इसको तो 6 गुना 12 आ जाएगा, x बराबर कितना, 8 दिन, 8 दिन आंसर। यानी क्या करना है, मैन गुना डे करेंगे तो वर्क निकलेगा, और यही काम को 6 आदमी कितना दिन में, तो क्या हो जाएगा, दोनों काम बराबर, यहां भी मैन गुना डे, यहां भी मैन गुना डे, तो दोनों बराबर, तो कितना आ गया, 8 दिन। यानी चार पुरुष 12 दिन तक काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा, यानी घर बन जाएगा, या 6 पुरुष 8 दिन काम करेगा तो वही घर बनकर तैयार हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 8 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी। दूसरा देखिए, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 500 व्यक्ति के लिए एक छावनी में कितना दिन का भोजन था, 24 दिन का। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचा, यानी 300 व्यक्ति का एक और समूह उसमें आ गया, तो अब भोजन कितने दिन चल पाएगा, तो निकालिए भोजन कितना दिन का था, 24 दिन के लिए, कितना व्यक्ति के लिए, 500 व्यक्ति के लिए, तो टोटल भोजन निकालिए, तो आदमी की संख्या गुना समय कितना, 24 दिन, तो ये क्या निकला, टोटल भोजन निकले, टोटल वर्क। यानी यही भोजन करने के लिए अब 300 व्यक्ति और आ जाता है, तो बताइए 500 व्यक्ति पहले था, 300 व्यक्ति और हो गया तो कितना हो गया, 5 3 800 व्यक्ति। तो अगर यही भोजन को 800 व्यक्ति करेगा तो कितना दिन चलेगा, 1 दिन। 500 व्यक्ति के लिए 24 दिन, यही भोजन को 300 व्यक्ति और आ गया तो 5 3 800, तो 800 व्यक्ति के लिए कितना दिन, 1 दिन, तो ना बराबर। देखिए, यहां से कट जाएगा 2 0 2 0 या 8 24, यानी x बराबर कितना, 15 दिन, 15 दिन। यानी अगर 300 व्यक्ति और आ जाता है तो यही भोजन 24 दिन ना चल के कितना दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, आठ पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी काम कितना दिन के लिए है, 12 दिन के लिए, कितना व्यक्ति के लिए, 8 व्यक्ति के लिए, यानी 8 व्यक्ति के लिए 12 दिन का कार्य है, करा है 6 दिन कार्य करने के बाद कितना दिन, 6 दिन, यानी 8 पुरुष 6 दिन काम कर लेता है, तब करा है 4 और पुरुष कार्य पूरा करने के लिए लगा दिए गए, यानी 4 पुरुष को और ले लाया, कब, 6 दिन के बाद, तो करा है शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, शेष कार्य बराबर शेष कार्य कीजिएगा, तो देखिए पहले था 12 दिन का कार्य, अब 6 दिन बाद, यानी 12 दिन में 6 दिन काम हो चुका, तो कितना दिन का काम बचा हुआ, 6 दिन का, यानी 12 में 6 गया 6, यानी 8 व्यक्ति के लिए ये 6 दिन का काम बचा है, तो ये क्या निकला, शेष कार्य, ये क्या निकला, शेष कार्य। अब यही शेष कार्य को 4 और पुरुष लगा दिया जाए तो 8 आदमी और 4 आदमी कितना हो गया, 12 आदमी, तो 12 आदमी यही शेष काम को करेगा तो कितना दिन में, 1 दिन में, तो ये भी क्या निकला, शेष कार्य। शेष कार्य दोनों तरफ क्या होगा, बराबर कटिएगा, 6 2 12 2 4 8, यानी x बराबर कितना, 4 दिन, यानी 4 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
फिर समझ लीजिए कि आठ व्यक्ति के लिए 12 दिन का काम था, तो 8 × 12 करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल वर्क। लेकिन हमको क्या काम कराना है? शेष काम कराना है, टोटल वर्क नहीं, शेष काम कराना है। तो शेष काम निकाल लिए तो कह रहा था 6 दिन कार्य करने के बाद, यानी 8 आदमी 6 दिन काम कर लिया होगा, तो काम था 12 दिन का, 6 दिन काम हो चुका है, तो कितना दिन का काम बचा होगा? 12 × 6 गया 6 दिन का, यानी 8 व्यक्ति के लिए 6 दिन का काम बचा हुआ है, तो ये शेष कार्य। अब यही शेष कार्य को 4 व्यक्ति और बढ़ा दिया जाए, यानी 4 व्यक्ति और आ जाए, तो बताइए 8 व्यक्ति और 4 व्यक्ति कितना आ जाएगा? 12 व्यक्ति। कितना दिन लेगा? 1 दिन। तो 8 × 6 शेष कार्य, तो 12 × 1 शेष कार्य, दोनों बराबर काटिएगा, एक्स का मान करना 4 दिन, यानी आंसर आएगा 4 दिन। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है, कुछ व्यक्तियों के एक समूह किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति कितना है नहीं पता है, यानी कुछ व्यक्ति का एक समूह है जो कार्य को 80 दिन में कर सकता है। अगर 17 व्यक्ति चले जाते हैं, यानी 17 व्यक्ति उसमें से निकल जाए, तो काम पूरा होने में 8 दिन और अधिक समय लगता है, यानी पहले जितना व्यक्ति था उस काम को 80 दिन में करा था, लेकिन अगर पहले वाला व्यक्ति में से 17 व्यक्ति चला जाता है तो वही काम को करने में 8 दिन और समय लगेगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी टोटल व्यक्ति कितना, तो मान लेते हैं कि पहले जो था वो कुल व्यक्ति कितना था? कुछ व्यक्ति। तो कुछ व्यक्ति का समूह जो था वो मानते हैं n व्यक्ति का समूह था, तो मानते पहले n व्यक्ति काम करता होगा तो कितना दिन में लग करता है? 80 दिन में। n गुना 80, ये क्या निकला? टोटल वर्क। n गुना 80, n क्या है? तो व्यक्तियों का समूह, यानी यहां से कह सकते हैं कि टोटल व्यक्ति कितना है? n व्यक्ति का समूह है, तो n व्यक्ति कितना दिन? 80 दिन। तो n गुना 80 आदमी की संख्या गुने डे, तो क्या निकला वर्क। अब यही काम करता है अगर 17 व्यक्ति चला जाए, यानी n में से 17 व्यक्ति निकल जाए तो कितना हो जाएगा? n − 17 व्यक्ति। तो 8 दिन और समय लगेगा, यानी 80 दिन के जगह पर कितना नहीं लगेगा? 8 दिन ज्यादा लगेगा, यानी 80 + 8 कितना? 88 दिन लगेगा, 88 दिन। देखिए n व्यक्ति काम करेगा तो 80 दिन लगेगा, तो ये काम खत्म हुआ। अगर n − 17 व्यक्ति काम करेगा तो 88 दिन लगेगा, यानी यही काम, ये जो काम था यही काम को इस तरह से किया जाए, तो दोनों काम बराबर। अब काट छाट कर लीजिए, तो कटेगा 10 × 80 = 8 = 88। देखिए 11 n में से 10 n घटेगा तो 1 n बचेगा, 11 n और 10 n घटेगा, और 11 × 17 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 और हो जाएगा यहां से 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 18, 187। तो 187 जो आया है, क्या आया है? n का मान आया है। तो n क्या माने थे? व्यक्तियों की संख्या, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, कितना हो गया? 187। ऑप्शन कौन जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन ए, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया? 187। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर है, कुछ व्यक्तियों किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति कितना मान लेंगे? n, यानी कह सकते हैं n व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 व्यक्ति और हो, यानी अब 6 व्यक्ति और हो गया तो कितना हो गया? n + 6, तो इस कार्य करने में 11 दिन कम लगेंगे, 11 दिन कम लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा? 55 में से 11 गए तो कितना बचेगा यहां से? 44 दिन। यानी कह सकते हैं n व्यक्ति 55 दिन में पूरा काम कर सकता है, अगर यही काम को n + 6 व्यक्ति करेगा तो कितना दिन लगेगा? 44 दिन लगेगा। तो टोटल काम बराबर, टोटल काम कीजिए, निकल जाएगा n का मान। तो बताइए पहले व्यक्ति कितना? n, समय कितना? 55, तो व्यक्ति की संख्या गुना समय, तो क्या निकला? टोटल वर्क। और यही काम को अगर 6 व्यक्ति और बढ़ जाए तो कितना? n + 6, तो 11 दिन कम लगेगा, तो 11 दिन कम लगेगा, यानी कितना लगेगा? तो 55 में से 11 घटेगा तो 44। ये दोनों काम क्या होगा? बराबर, यही काम, यानी n गुना 55 मैन गुना डे वर्क, मैन गुना डे वर्क, दोनों का काम क्या है? आपस में बराबर है। अब काटिए, ये कटेगा 11 × 55, 11 × 4 = 44, 5 n में से 4 n घटेगा 1 n, और 6 × 4 = 24, यानी n बराबर कितना गया? 24। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितना था? 24, वो कितना था? 24 आंसर, यानी ऑप्शन कौन जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर है,
कुछ बढ़ाइयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कुछ बढ़ाई, कुछ बढ़ाई कितना था, मान लेते हैं n, यानी कह सकते हैं n बढ़ाई 9 दिन में काम कर देने का वचन दिया, यानी उसको कहा कि 9 दिन में हम काम को कर देंगे। कौन बढ़ाई, यानी n बढ़ाई मिलकर 9 दिन में काम समाप्त कर लेगा। परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। बोला कि n बढ़ाई 9 दिन में कर देगा, लेकिन 5 वो नहीं आया, यानी 5 बढ़ाई नहीं आया था। आया हुआ कितना, तो n माइनस 5, n माइनस 5, 5 अनुपस्थित थे, यानी उपस्थित कितना, n माइनस 5, और शेष आदमियों ने, यही शेष कितना हो जाए, n माइनस 5, 12 दिन में कर दिया। तो बढ़ाइयों की मूल संख्या क्या था, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क लगाइए, तो n बढ़ाई 9 दिन, n गुना 9, और यही काम को n माइनस 5 बढ़ाई काम करता है तो कितना दिन, 12 दिन। ये दोनों क्या होगा, बराबर। काटिए यहां 3 तिया 9, यही 4 तिया 12, अगर 3n और 4n, तो 4n में से 3n घटेगा तो 1n, और पंचको 20, यानी परिणाम में बढ़ाइयों की कुल संख्या कितना था, 20 था, तो निकल गया यहां से 20, ऑप्शन बी। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन में सैनिक वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कुछ सैनिक के लिए कुछ दिन का भोजन था, कुछ और सैनिक आ गया, तो अब शेष भोजन कितना दिन चलेगा, ठीक है। तो यहां से शेष भोजन के लिए पूछेगा, तो शेष बराबर शेष निकालेंगे। तो चलिए, एक भोजनालय में 420 सैनिकों हेतु 20 दिनों का भोजन है। देखिए ये पकड़िए, कितना दिन का भोजन था पहले, 20 दिन का, कितना के लिए, 420 सैनिक के लिए। 5 दिन बाद, देखिए 5 दिन बाद 80 सैनिक और शिविर में आ जाते हैं, बताइए 420 सैनिक पहले था, 80 वो और आ गया, तो कितना हो गया होगा, तो 420 प्लस 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 500, यानी अब कितना हो गया, 500। तो बताइए शेष राशन कितने दिन तक चलेगा, बताइए कितना दिन के बाद, 5 दिन के बाद, यही पकड़ना है, कितना दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद। तो बताइए 5 दिन के बाद 80 सैनिक आ रहा है, इसका मतलब 5 दिन तक तो 420 सैनिक भूखल नहीं होगा, यानी 20 दिन का भोजन में से 5 दिन भोजन हो गया है, तो 420 सैनिक के लिए अब कितना दिन का भोजन बचा होगा, तो 20 में से 5 घटेगा तो कितना, 15 दिन का भोजन बचा हुआ होगा, यानी 420 सैनिक के लिए 20 दिन में से 5 दिन भोजन हो गया तो कितना दिन का बचा, 15 दिन का, यानी 420 सैनिक के लिए 15 दिन का भोजन बचा हुआ है, तो क्या निकला, शेष भोजन। और यही शेष भोजन करने के लिए 80 सैनिक और आ गए, बताइए 420 80, अब कितना हो गया, 500 सैनिक, तो यही 500 सैनिक कितना दिन में खत्म करेगा शेष भोजन को, तो 1 दिन में। अब दोनों बराबर कीजिए, यहां से 10 से 10 काटिए, यहां से ये काटिएगा, 3 5 15, 10 5 50, यहां जाएगा 3 9 6 और 4 12, 126, और ये बट्टा में 0 जाएगा दशमलव, यानी x, यानी कितना हो गया, 12.6 दिन, 12.6 दिन चलेगा, यानी शेष भोजन 500 सैनिक के लिए कितना दिन चलेगा, 12.6 दिन के लिए। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 400 आदमियों के लिए 40 दिनों तक का भोजन मौजूद है, कितना दिन के लिए, 40 दिन के लिए भोजन मौजूद है, यानी 40 दिन का भोजन था। 25 दिनों बाद, बताइए 25 दिनों बाद 100 आदमी और आ गया, तो 25 दिन बाद आएगा, इसका मतलब 25 दिन तक तो 400 आदमी भूखल नहीं होगा, यानी खाना खा लिया होगा, तो 400 आदमी 25 दिन भोजन कर लिया है, तो अब शेष भोजन कितना दिन बचा होगा, कितना दिन के लिए, तो 40 दिन का भोजन था, 25 दिन बाद आ रहा है, यानी 25 दिन भोजन हो गया, तो 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 दिन, यानी 400 आदमी के लिए ये 15 दिन का भोजन बचा हुआ है, तो क्या निकला, शेष भोजन। और यही शेष भोजन करने के लिए 100 आदमी और आ जाए, तो 100 आदमी और बढ़ गया तो कितना हो गया, 400 100 500, तो कितना दिन चलेगा यही शेष भोजन, 1 दिन, ठीक है, शेष भोजन बराबर शेष भोजन। तो 400 व्यक्ति के लिए पहले 40 दिन का भोजन था, लेकिन 25 दिन बाद 100 आदमी और आ गया, यानी 25 दिन भोजन कर लिया है 400 आदमी, तो 40 में से 25 दिन भोजन हो गया तो बचा कितना दिन, 15 दिन का भोजन। यही 400 व्यक्ति का 15 दिन का भोजन जो बचा हुआ शेष भोजन, अगर 500 व्यक्ति करेगा तो कितना दिन करेगा, 1 दिन। ये 500 कहां से आया, तो 400 व्यक्ति पहले और 100 व्यक्ति और आ गया, यानी कितना हो गया, 500। तो अब 500 व्यक्ति यही भोजन को करेगा तो कितना दिन, 1 दिन। तो शेष बराबर शेष, यहां से कर लीजिए, 2020 खत्म हो जाएगा,
अब पांच तेई 15 यानी x बराबर कितना हो गया 12 दिन, यानी अब 12 दिन चलेगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए नौवां नंबर क्वेश्चन है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, बताइए कितना दिन के लिए, 31 दिन के लिए, यानी 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था। 27 दिन के बाद, देखिए यहां पकड़ना कितना दिन के बाद, 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए, तो कितना दिन, 27 दिन के बाद, 27 दिन तो 200 सैनिक भूखा नहीं होगा, खाना खा लिया होगा, बताइए 31 दिन का भोजन था जिसमें 27 दिन भोजन हो चुका है, तो कितना दिन का भोजन बचा हुआ होगा, 31 में से 27 घटेगा कितना, 4 दिन का, 200 सैनिक के लिए अब कितना दिन का भोजन बचा है, 4 दिन का, तो ये क्या निकला, शेष भोजन निकला। अब यही शेष भोजन करने के लिए 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, 120 सैनिक निकल गया, तो बताइए कितना सैनिक बचा होगा, 200 में से 120 सैनिक चला गया था कितना, 80 गो, तब कितना दिन चलेगा, तो x दिन चलेगा, कितना दिन, x दिन चलेगा, तो निकालिए x का मान कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुना 8, 2 दहाइए 20, यानी x बराबर कितना, 10 दिन, यानी 10 दिन भोजन चलेगा, लेकिन बोल रहा है कितने और अधिक दिन तक चलेगा। देखिए 200 व्यक्ति के लिए 4 दिन का भोजन बचा हुआ था, लेकिन 120 जब सैनिक चला गया तो 80 सैनिक कितना दिन तक भोजन किया, 10 दिन, मतलब पहले था 4 दिन का भोजन शेष, अब चल रहा है 10 दिन, तो कितना दिन अधिक चला, तो 10 माइनस 4 यानी कितना दिन, 6 दिन, यानी 6 दिन अधिक चला, 6 दिन क्या हुआ, अधिक चला, यानी पहले शेष भोजन था 4 दिन का, लेकिन चल रहा है कितना, 10 दिन, तब कितना दिन अधिक हुआ, 10 माइनस 4 यानी 6 दिन अधिक चला, कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए दसवां नंबर क्वेश्चन, दसवां नंबर में है, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी, यानी कह रहा एक सैनिक छावनी है उसमें सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन था, 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था, तो आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक थी, यही पूछ रहा है। चलिए देखिए, मान लेते हैं यहां से कि एक सैनिक छावनी में कितना सैनिक, तो मानते हैं एन सैनिक, कितना एन सैनिक, निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था, निश्चित समय, तो समय भी नहीं पता है, तो मान लेते हैं कितना दिन, एक्स दिन, यानी एक्स दिन, तो कह सकते हैं पहले जो था वो टोटल सैनिक एन, और कितना दिन भोजन चला, तो एक्स दिन चला, 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चला गया, तो 20 दिन तक तो सैनिक भूखा नहीं होगा, यानी 20 दिन खाना खा लिया होगा, तो शेष भोजन कितना दिन चला बचा होगा, तो एक्स में से 20 घटाएंगे तो कितना दिन, एक्स माइनस 20 दिन, और 1/4 सैनिक चला गया तो कितना बचा होगा, तो 1/4 का शेष निकालिएगा तो कितना जाएगा, ऊपर में घटाकर, तो 4 में से गया 3, 3/4, यानी जब 1/4 भाग सैनिक चला गया तो शेष सैनिक कितना बचेगा, 3/4, तब भोजन उतने ही दिन चला जितना दिनों तक पहले चलना था, पहले कितना दिन, x दिन, तो कह रहा आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक थी, तो निकालिए यहां से, कह रहा एन सैनिक के लिए x दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक चला गया, तो 20 दिन के बाद यानी x में से 20 दिन खाना हो गया, तो बचा कितना दिन खाना, तो x माइनस 20 दिन, x माइनस 20 दिन, यानी अब जो है n व्यक्ति के लिए x माइनस 20 दिन का भोजन बचा हुआ है, तो क्या निकला, शेष भोजन, और यही शेष भोजन करने के लिए 1/4 भाग सैनिक चला गया तो बचा कितना, 3/4, यानी n का 1/4 भाग निकल गया तो बचा कितना, 3/4, यानी n का 3/4 भाग सैनिक बचा हुआ है, और यही सैनिक अगर इस भोजन को करता है तो कितना दिन चलेगा, जितना दिन प्रारंभ में चलना था, प्रारंभ में कितना दिन का भोजन था, x दिन, यानी x दिन चलेगा, तो दोनों शेष काम का हो जाएगा बराबर। अब यहां से काटिए, देखिए n से n समाप्त हो जाएगा, ये 4 इसमें से आ जाएगा, तो 4x माइनस 80 बराबर 3x, तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x बराबर 80, यानी प्रारंभ में
कितना दिन का भोजन था? 80 दिन का भोजन था। कितना दिन का? 80 दिन। एक्स क्या माने थे? प्रारंभ में समय माने थे, तो कितना दिन? 80 दिन। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन। करा एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। तो देखिए यहाँ पर ना सैनिक की संख्या दिया हुआ था और ने कितना दिन चलेगा भोजन वो भी नहीं दिया था। तो मान लिए एन सैनिक और कितना दिन? एक्स दिन। अब 20 दिन बाद बताइए एक्स दिन का भोजन था, 20 दिन भोजन हो गया। 20 दिन बाद कहेगा मतलब क्या? 20 दिन भोजन हो गया तो कितना दिन का भोजन बचा होगा? एक्स माइनस 20 दिन। तो एक्स माइनस 20 दिन का भोजन बचा हुआ कितना सैनिक के लिए? एन सैनिक के लिए। तो एन गुना एक्स माइनस 20 तो क्या निकला? शेष भोजन। और यही भोजन करने के लिए 1/4 भाग सैनिक चला गया तो कितना बचा? 3/4, यानी एन का 3/4 सैनिक बचा हुआ है। तो यही सैनिक अगर भोजन करता है तो जितना पहले चलना था उतने ही दिन अब भोजन चलेगा, यानी कितना? एक्स दिन। तो दोनों क्या होगा? बराबर। एक्स का मान आ गया 80 दिन, यानी ऑप्शन कौन जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन सी।